हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन है DBS मूव एंड रोटेट। आप कैसे अपने ड्रॉअर को स्लाइड करके ओपन या हिंज से आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो का आनंद उठाइए। हम इस वीडियो में DBS रोटेट से रिलेटेड सारी चीज़ें करने वाले हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपने मेरी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको कुछ इस तरीके से अपने कबर्ड्स वगैरह में, अपने ड्रॉर वगैरह में इस तरीके से एनिमेशन अगर आपको दिखाना है तो आप किस तरीके से ये दिखा सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन की नीड पड़ेगी जिसका नाम है DBS मूव एंड रोटेट। इसके लिए आपको जाना है एक्सटेंशन वेयर हाउस पे, यहाँ पे टाइप करना है DBS मूव और यहाँ पे आपको मिलेगा DBS मूव एंड रोटेट। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। आपको करना क्या है, मान लो यही एनिमेशन अब मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो। अब आपको क्या करना है, जो ये आपके कबर्ड्स वगैरह, आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाने हैं। ऐसे बनाने हैं कि अगर आप इसे बाहर निकालो तो ये पूरा कंप्लीट बाहर निकले, जोड़ में इस तरीके से बनाने हैं तो ही आप इसको यूज़ कर पाओगे अच्छे से। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन आता है। जॉइंट टाइप में सबसे पहले स्लाइडर और हिंज। अब ये स्लाइडर है तो स्लाइडर पे क्लिक करो। जॉइंट एक्सिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जॉइंट एक्सिस पे क्लिक करो, सेलेक्ट पे क्लिक करो और वो एक्सिस सेलेक्ट करो जिसके एक्सिस के अकॉर्डिंग ये बाहर और अंदर आएगा। तो बेसिकली ये वाली एक्सिस है, ये चूज़ कर सकते हो, ये चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो एक एरो आ गई यहाँ पे। उसके बाद सेट पोजिशन पे ओपन पे क्लिक करो और यहाँ से ये हैंड टूल आप यूज़ करो, मूव जॉइंट, और इसको क्लिक करके आप बाहर की तरफ मूव करो। फॉर एग्जांपल आपने इसको इतना मूव किया, इस तरीके से मूव करने के बाद आप दोबारा इसको सेलेक्ट करो, सेटिंग पे जाओ, सेलेक्ट करो सेटिंग। ये तो हो गया ओपन का। अब क्लोज पे क्लिक करो और उसके बाद फिर यहाँ पे मूव जॉइंट पे क्लिक करो और आप इसे क्लिक करके पीछे की तरफ क्लोज कर दो कि ये हो गया मेरा यहाँ पे क्लोज के लिए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है ओपन एंड क्लोज, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये उतना ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे उतना अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आप इस चीज़ को देख सकते हो। दोबारा करके बताता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट किया, सेटिंग पे गया, स्लाइडर मैंने चूज़ किया, सेलेक्ट किया एक्सिस ये वाला, ओपन पे क्लिक करो, मूव पे क्लिक करो और इसको आगे की तरफ ऐसे मूव करो कि मेरे को ये इतना ओपन करना है। इतना करने के बाद यहाँ से फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर सेटिंग पे क्लिक करो, फिर क्लोज पे क्लिक करो, फिर ये मूव पे क्लिक करो और इसको आप अंदर की तरफ मूव कर दो। तो आप देख सकते हो ये भी आप इस तरीके से ओपन एंड ऑफ कर सकते हो यहाँ से। ऐसे ही आप इसके अंदर भी एनिमेशन लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अगर मेरे को ये स्लाइड करके नहीं, मेरे को ये हिंज पे आपको रोटेट करके करना है तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, उसके बाद स्लाइडर को हिंज पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट पे क्लिक कर दो और आपको वो एक्सिस सेलेक्ट करनी है जिस एक्सिस के अराउंड आपको ये रोटेट करना है। तो ये एक्सिस मैंने सेलेक्ट करी, करने के बाद ओपन पे क्लिक करो और यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका मूव जॉइंट का और आप इसे क्लिक करके इतना ऐसे ओपन कर दो। ओपन करने के बाद दोबारा से आप इसे सेलेक्ट करो, सेटिंग पे क्लिक करो, क्लोज पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको आप उतना क्लोज कर दो कि मेरे को इतना यहाँ पे क्लोज करना है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसको इस तरीके से ओपन एंड ऑफ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप इन्हें ओपन ऑफ कर सकते हो ऐसे। अब ये होगी ड्रॉअर की बात। अगर आपको यही चीज़ करना है विंडो के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक विंडो है और आपको इस तरीके से स्लाइड करके ओपन करना है तो इसको भी कर सकते हो। कैसे कि आप इसे सेलेक्ट करो, सेटिंग पे क्लिक करो, स्लाइडर सेलेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ से एक्सिस ले लो ये वाली, उसके बाद ओपन पे क्लिक करो, यहाँ से DBS
मूव जॉइंट पे क्लिक करो और आप इसे यहाँ पे ऐसे मूव कर दो। मूव करने के बाद फिर से सेटिंग पे जाओ, सिलेक्ट करो इसे, क्लोज पे क्लिक करो, फिर आप मूव जॉइंट पे क्लिक करो और आप इसे ऐसे क्लोज कर दो। उसके बाद जब आप इसे यहाँ से क्लिक करोगे ओपन एंड क्लोज पे, तो ये आप इस तरीके से ओपन या क्लोज अपनी विंडो को कर सकते हो अपने तरीके से। तो ये था आपका DBS मूव और रोटेट, आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे अब अच्छे से यूज़ कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट में। एनिमेशन वगैरह के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें और अपने आसपास की सफाई रखें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।